PCC एकेडमी में आपका स्वागत है। कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 10 का पार्ट 8 है, जिसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स सी में अपनी एक अलग विशेषता रखते हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे आप हम बराबर भी कहते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके अंदर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी आते हैं, इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी से भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं, और एग्जांपल के तौर पे ए इक्वल बी, तो ये इसका मतलब ए इक्वल बी ही है, ये नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे ये ऑपरेटर है प्लस इक्वल, ये दो ऑपरेटर नहीं है, ये एक ही ऑपरेटर है। इसका अगर अपन एग्जांपल लें तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी, ए प्लस इक्वल बी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एक ही ऑपरेटर है। इसका जो अर्थ है वो हुआ, या तो इसको आप ये जैसे ऑपरेटर, और यहाँ इसका जो मैंने आपको बताया एग्जांपल, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, सेम एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका अर्थ हुआ कि ए और बी को जोड़िए और उसको ए में असाइन कर दीजिए। तो इसको हमारा लिखने का तरीका होगा ए इक्वल ए प्लस बी, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, सेम एज। ऐसे ही और ऑपरेटर्स भी हम यूज करते हैं, जैसे माइनस इक्वल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए माइनस इक्वल बी, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल ए इक्वल ए माइनस बी, ये दोनों एक ही बात है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई असाइनमेंट भी यूज कर सकते हो, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई इक्वल बी, या इसे हम ए इक्वल ए मल्टीप्लाई बी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही डिवाइडेशन इक्वल लगा के डिवाइडेशन हम कैसे लिखेंगे, ए डिवाइड असाइन बी, ये बोल रहा है ए को डिवाइड करो बी से और वो असाइन हो जाए ए में, अर्थात ए इक्वल ए डिवाइड बी। और मॉड्यूल भी हम ऐसे कर सकते हैं, मॉड्यूल असाइन, तो इसको लिखने का तरीका ए मॉड्यूल इक्वल बी और ए इक्वल ए मॉड्यूल बी। तो आपको ये समझ में आया होगा असाइनमेंट ऑपरेटर को हम किस प्रकार से लिखते हैं। इनके हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, या तो हम कोई वेरिएबल है x इक्वल x प्लस 10, ये सभी स्टूडेंट को समझ में आता है कि x के अंदर 10 जोड़ना है। जैसे मैं x की वैल्यू कर देता हूँ 10, तो x प्लस 10 का मतलब हुआ 10 प्लस 10, x में वैल्यू जाएगी 20। लेकिन इसको असाइनमेंट में लिखना हो तो हम ये लिखेंगे x प्लस इक्वल 10, इसका अर्थ भी यही हुआ x इक्वल x प्लस 10, अर्थात 20। तो इस प्रकार से अब इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 10, और हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस इक्वल 10, तो इसका जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई और ये सारे भी हम कर सकते हैं। उसके बाद एक मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। एक मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे एक दो तीन वेरिएबल हैं हमारे पास, उनमें वैल्यू एक ही अपने को असाइन करवानी है। जैसे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और z वेरिएबल है, इन तीनों में 20 वैल्यू असाइन करवानी है।
तो या तो हम ऐसे लिखें इंट एक्स इक्वल 10, इंट वाई इक्वल 10, इंट जेड इक्वल 10, इसमें तीन लाइनें लिखनी पड़ी अपने को, या एक कोमा लगा के भी हम लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल वाई, वाई इक्वल जेड इक्वल 10। तो इसका अर्थ भी ये हुआ कि एक्स वाई और जेड में वैल्यू क्या जाएगी 10। इसको मल्टीपल असाइनमेंट, क्योंकि एक से ज़्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर्स का इनमें यूज हुआ है। चलिए इनको अपन एक उदाहरण से, जो अभी मैंने आपको यहाँ बताया, एक उदाहरण से इसको देख लेते हैं। कंपाइलर हम ओपन करते हैं, कंपाइलर के अंदर एक उदाहरण प्रोग्राम से हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल लगाएंगे, studio.h has include conio.h main। स्टार्ट करते हैं, जैसे एक वेरिएबल हमने नॉर्मल ए वेरिएबल लिया है और उसकी प्रारंभिक वैल्यू हम 10 रख देते हैं। अब असाइनमेंट में इसको लिखते हैं ए प्लस इक्वल 10। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है ए इक्वल ए प्लस 10। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो ये कमेंट में दिख रहा हूँ मैं, प्रिंट एफ ए इक्वल ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए मॉड्यूलर डी, और हम कॉल कर लेंगे ए को और गेट सी एच। अब देखते हैं इसकी वैल्यू, आप सोचिए एक बार क्या आनी चाहिए। ए की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 10 है और उसमें हम 10 ऐड कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू हमारे हिसाब से 20 आनी चाहिए। चलिए इसको रन, कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। कंपाइल एंड रन, ए इक्वल 20। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। इसी में यदि अपन माइनस लगा दें, यहाँ माइनस लगाएंगे तो आप स्क्रीन पॉज करके सोचिए आउटपुट क्या आएगा। 10 माइनस 10 इक्वल 0, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का भी यूज कर सकते हैं, तो अब 10 इंटू 10 100, 100 आउटपुट आएगा। और मॉड्यूलो ऑपरेटर का भी हम यूज कर सकते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर से 10 में 10 का भाग देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब जो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और एक नॉर्मल ये होता है और एक ये होता है, इसमें अंतर भी होता है। चलिए उस अंतर को हम देखते हैं। जैसे हमारे पास में एक एक्स नाम का वेरिएबल है, उसकी इनिशियल वैल्यू 5 है और हम उसमें कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं। एक मैंने लिखा एक्स इक्वल एक्स मल्टीप्लाई 3 प्लस 4। एक तो नॉर्मल हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है और एक इसको कंपाउंड में यदि अपन लिखें एक्स मल्टीप्लाई इक्वल 3 प्लस 4। अब देखिए इसमें ये अपना नॉर्मल है जैसे अपन मैथ में करते हैं और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब आप गौर कीजिए कि इसमें कितने ऑपरेटर लगे हुए हैं। इसमें 3 ऑपरेटर लगे हुए हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर, एक मल्टीप्लाई ऑपरेटर और एक प्लस ऑपरेटर। जैसा कि हम जानते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेटर की प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से ज़्यादा होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। तो सबसे पहले ये सॉल्व होंगे, उसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले प्लस और इसमें से मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो इसका एक्सप्रेशन बना एक्स इक्वल एक्स की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई 3 है, प्लस 4 है। तो इसका एक्सप्रेशन हमारे बना, 5 को 3 से पहले अपन गुणा करेंगे और प्लस 4 ऐड कर देंगे, तो हमारा आउटपुट आएगा 19, यानी कि एक्स इक्वल 19 आउटपुट आएगा। चलिए यही है ये, इसको हम, इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी। इसमें देखिए आप गौर करो कि कितने ऑपरेटर लगे हुए हैं। इसमें 3 ऑपरेटर नहीं हैं, 2 ही ऑपरेटर हैं, एक प्लस ऑपरेटर है और एक एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये दोनों एक ही ऑपरेटर हैं। अभी मैंने आपको बताया था सेम एज में ऐसे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल प्रोग्राम में। तो इसका एक्सप्रेशन बनेगा, पहले अब 2 ऑपरेटर हैं, कंपाउंड असाइनमेंट है
चूंकि असाइनमेंट ही है ये, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे लास्ट होती है, तो पहले क्या सॉल्व होगा, पहले सॉल्व होगा प्लस, तो इसको इसका असाइनमेंट अपने बना एक्स मल्टीप्लाई इक्वल 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 4 7। अब इसको फर्दर अपन सॉल्व करें तो एक्स इक्वल एक्स मल्टीप्लाई 7 ये बनेगा। एक्स की वैल्यू अपनी कितनी है, अब अपनी एक्स की वैल्यू है एक्स इक्वल एक्स की वैल्यू 5 है मल्टीप्लाई 7, तो इसमें ये फर्क भी होता है। 7 को 5 से गुणा करेंगे 35 आउटपुट आएगा, ये इसमें फर्क भी होता है। तो जहां हमें कंपाउंड असाइनमेंट का यूज करना है वहां हमें कंपाउंड असाइनमेंट का ही यूज करना है, लेकिन इसमें चूंकि ऑपरेटर कम है तो ये इसकी जो स्पीड है वो काफी फास्ट है। इसके एक्सप्रेशन में 2 ही ऑपरेटर हैं, इसमें 3 ऑपरेटर हैं, तो इसको समय ज्यादा लगता है सॉल्व होने के लिए, इसको समय कम लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये दोनों सेम ही हैं, देखिए यहाँ सेम आउटपुट नहीं आ रहा, तो जहाँ हमें नॉर्मल यूज करना है वहाँ नॉर्मल ही यूज करना है, और जहाँ हमें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है वहाँ हम उसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर समझ करके ही यूज करें। एक अभी मैंने आपको ये मल्टीपल असाइनमेंट का बताया था, इसका एग्जाम्पल और अपन एक देख लेते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे अपने पास में 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, और तीनों में अपने को वैल्यू रखनी है 10, तो ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल 10 अपन कर सकते हैं। अब इसकी क्या वैल्यू आएगी, ए इक्वल मॉड्यूलर डी, हम बैक स्लैश टी का यूज कर सकते हैं, बी इक्वल मॉड्यूलर डी, हम बैक स्लैश टी का यूज कर सकते हैं, सी इक्वल मॉड्यूलर डी, मॉड्यूलर डी, और हम कॉल कर देंगे ए बी सी को। अब स्टूडेंट्स क्या आउटपुट आना चाहिए, आप स्क्रीन पॉज करके सोचिए, ए की वैल्यू भी 10 आएगी, बी की वैल्यू भी 10 आएगी, और सी की वैल्यू भी 10 ही आएगी। ये अलग अलग आए हैं क्योंकि हमने टैब करेक्टर का यूज किया है। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड दिस इज मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार बार देखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करें, जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे लैंग्वेज आपको उतनी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। यदि किसी स्टूडेंट को इस वीडियो में समझाए गए किसी भी प्रोग्राम के बारे में कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत